बुलंदशहर में रंगे हाथों पकड़े गए नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले दो कारोबारी। पुलिस ने भारी मात्रा में सर्फ और खड़ी के डुप्लीकेट पैकेट बरामद किए हैं। बता दें, कंपनी के फील्ड मैनेजर विजय प्रताप सिंह ने अपने साथी व पुलिस टीम के साथ छापेमारी की, जिसे कॉलोनी के एक मकान में चलाया जा रहा था। पुलिस ने माल सहित दो आरोपियों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की सिद्धेश्वर मंदिर कॉलोनी का है। आइए सुनते हैं इस पर विजय प्रताप सिंह का क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय प्रताप सिंह है। कौन सी जगह, क्या पोस्ट पे है, कौन सी कंपनी? ये आरएसपील कंपनी का माल पकड़ा गया है खुर्जा में। हाँ। खुर्जा कोतवाली के अंतर्गत। हाँ। ये भारी मात्रा में माल पकड़ा गया है। काफ़ी दिन से यहाँ की शिकायत लगातार मार्केट में मिल रही थी। हमारे जो मार्केट वाले लड़के हैं वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर डुप्लीकेसी हुए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सर्च किया, दो तीन दिन से लगातार सर्चिंग हो रही थी। उसके बाद यहाँ खुर्जा कोतवाली में हम लोग आए और एसओ साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। उसके बाद एसओ साहब ने फोर्स दी और साथ में छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई और बड़ी मात्रा में माल जो है बना अधबना और कई कंपनी के माल जो है, जैसे टाटा है और कंपनियों के माल पकड़े गए हैं। क्या लोग पकड़े गए? अभी तो दो लोग आए हैं, पूछताछ हो रही है उनसे। और बड़े जहाँ से पन्नी लाते हैं और गिरोह का संचालन करते हैं, जिस मार्केट में माल बेचते हैं, बड़ी मात्रा में इनका जो रैकेट है वो पकड़ा जाएगा। पुलिस लगातार छापेमारी करेगी और उसमें जो है ये जहाँ से पन्नी लाते हैं, जहाँ प्रेस मशीनें लगी हुई हैं, बड़ा काम है, बड़ा रैकेट है। लगभग कितने का माल था? ये तो लाखों रुपए का माल है, लेकिन अभी और जो है बड़ी मात्रा में बरामदगी होगी। क्या आपने पुलिस को शिकायत दे दी है? हमने पुलिस को शिकायत दे दी है, हमने सबसे पहले आते ही पुलिस को शिकायत दी है।